नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल की निशान उत्सव यात्रा खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। आज श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा आयोजित मारवाड़ी समाज की निशान उत्सव शोभा यात्रा मारवाड़ी धर्मशाला से निकलकर नगर में भ्रमण करते हुए बिनानी गार्डन कोतवाली के पास पहुंची, जिसमें अबीर गुलाल उड़ाते हुए पुलिस, महिलाएं, बच्चे शामिल रहे। भोलानाथ जलान ने बताया कि यहां से श्याम भक्तों का 101 लोगों का जत्था बस द्वारा राजस्थान के सीकर जिले के लिए प्रस्थान किया, जहां से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर खाटू श्याम में होने वाले फागुन महोत्सव में पहुंचकर अपने देवता को निशान चढ़ाएंगे। यह परंपरा हर साल संपन्न की जाती है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम भोलानाथ जालान है। आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल की तरफ से ही आयोजित श्री श्याम निशानोत्सव, जो निशान यात्रा आज जा रही है खाटू जी, और रिंगस से ये 16 किलोमीटर पैदल चल के खाटू जी में श्याम निशान चढ़ाया जाएगा, और इसमें करीब करीब 100 भक्त जा रहे हैं आजमगढ़ से। ये प्रतिवर्ष जाते हैं। झांकी निकलने का उद्देश्य है कि श्री श्याम प्रभु जो हमारे कुल देवता हैं और उनको हम अपना समर्पण देते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम ये निशान चढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।